नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन एक बार फिर एक नया एपिसोड लेकर हाजिर हो चुका हूं अर्ज किया का। और अर्ज किया अपने मुकाम पर लगातार बढ़ रहा है। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमें बेनतहा मिल रहा है। और पिछला एपिसोड भी आप लोगों ने बेहद ही पसंद किया, बेहद प्यार उसको भी दिया। और यही वजह है कि हर बार की तरह इस बार भी हमने कुछ चुनिंदा लोगों को चुना है। वो लोग जो आपको पिछले एपिसोड में दिख चुके हैं, मिल चुके हैं आप लोग, उनके आप शेर सुन चुके हैं, उनके कविताएं सुन चुके हैं, नज्म सुन चुके हैं, गज़ल सुन चुके हैं, गीत भी सुन चुके हैं। यही वजह है कि हम एक बार फिर से उन्हीं कवियों को एक बार फिर हमने आमंत्रित किया, इनवाइट किया, और वो लोग एक बार फिर से हमारे बीच इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए मौजूद हैं। चलिए बिना देरी किए स्वागत कर लेते हैं एक बार फिर। हमारे साथ दिल्ली में इस वक्त रहती हैं और बिहार से ताल्लुक रखती हैं, हम स्वागत कर रहे हैं जरीन जी का, जरीन सिद्दीकी का। जरीन जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बिहार की धरती से हमारे बीच इस वक्त जरीन सिद्दीकी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। पिछले एपिसोड में आपने सुना था जरीन को और इस बार भी जाहिर तौर पर सुनेंगे और बेहतरीन सुनेंगे, बेहतरीन आपको सुनाई देगी गजल जरीन की। जरीन के अलावा आज एक बार फिर से हमारे इस प्रोग्राम में शोभा बढ़ा रहे हैं बेहतरीन गीतकार हैं, राष्ट्र कवि हैं, लाल किले की प्राचीर से भी पढ़ चुके हैं, लाल किले से इनफैक्ट पढ़ चुके हैं, लाल किले के कवियों कविताएं, लाल किले के जो कवि सम्मेलन हैं उनको आप लोग जाहिर तौर पर जानते होंगे। उस कवि सम्मेलन में ये शख्स मौजूद थे, इनको कहते हैं दिनेश आनंद। और अर्ज किया में भी बेहतरीन अपने गीतों को सुनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका दिनेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस प्रोग्राम में एक बार फिर से शिरकत करने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद दिनेश भाई। दिनेश भाई के अलावा आज इस प्रोग्राम की शोभा एक और शख्स बढ़ा रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड से ये एक बार फिर हमारे बीच आए हैं, उत्तराखंड के बाजपुर से ये ताल्लुक रखते हैं और तकी बाजपुरी इनको कहते हैं। तकी बाजपुरी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका भी। इश्क मोहब्बत बेहतरीन पढ़ते हैं, लिखते हैं, बहुत शुक्रिया भाई आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद। तकी बाजपुरी एक बार फिर से हमारे इस प्रोग्राम में शोभा बढ़ा रहे हैं। तकी बाजपुरी के अलावा एक बार फिर इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं बेहतरीन। देखिए उम्र इनकी जितनी भी हो लेकिन इस वक्त जैसे दिखते हैं तो हर कोई इन पर फिदा अभी भी हो सकता है। इनको कहते हैं हसन सोनभद्री जी, सोनभद्र से हमारे बीच इस वक्त हैं और दिल्ली में रहते हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत शुक्रिया सोनभद्री जी। अपनी शायरी से तो लोगों का दिल जीत ही लेते हैं लेकिन अपने अंदाज से भी लोगों का दिल जीतने में माहिर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका चारों का हमारे साथ एक बार फिर से आप चारों इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। तो जब ये चार मौजूद हैं तो जाहिर तौर पर आप लोग जैसे पिछला एपिसोड आपने सराहा तो उम्मीद है कि इस बार भी आप बेहतरीन काव्य पाठ सुनेंगे और सराहेंगे इस एपिसोड को भी। और शुरुआत हम उनसे ही कर लेते हैं जिनकी तारीफ जितनी की जाए कम है, हसन सोनभद्री जी से ही करते हैं। देखिए आप इनको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हैंडसम हंक अभी भी हैं और शेर व शायरी से तो अपना जलवा बिखेरते हैं। बहुत स्वागत कर रहा हूँ सर आपका। सबसे पहले मुबारकबाद देते हुए अर्ज किया है कि टीम को और ख़ास तौर से हमारे नाजिम अभी हसन साहब, और बहुत ही अच्छी निज़ामत आप कर रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है इस स्टूडियो में आके और परफॉर्म करके, और ये हमारी दूसरी मुलाकात है आपसे। एक दो शेर सुनाता हूँ फिर एक गज़ल से शुरुआत करूँगा या कोई एक नज़्म सुना दूँगा। कि सच कहूँ तुझको इलाही पे भरोसा है अगर, सच कहूँ तुझको इलाही पे भरोसा है अगर, बहते दरियाओं में रास्ते भी निकल आते हैं। सही, अच्छा है, बेहतर है। हाँ, बहते दरियाओं में रास्ते भी निकल आते हैं, खाक सारी का हुनर मेहर वफा हमदर्दी, खाक सारी का हुनर मेहर वफा हमदर्दी, ये वो सिक्के हैं जो हर दौर में चल जाते हैं। अच्छा है, ये वो सिक्के हैं जो हर दौर में चल जाते हैं, हर दौर में चल जाते हैं। बेहतर है। एक और तलमी है शेर आपको सुना दूं कि कह दो मगरूर चांद से जाके, मगरूर चांद से जाके अब एक चांद मेरा अपना है, कह दो मगरूर चांद से जाके
अब एक चांद मेरा अपना है, आज वो फिर गली से गुजरेगा, आज फिर उंगलियों को कटना है, आज वो फिर गली से गुजरेगा, आज फिर उंगलियों को कटना है। और एक गजल आपको सुनाता हूँ, एक मतला और दो तीन शेर। न पूछो किस तरह गुजारी है, महसूस कीजिएगा जनाब, न पूछो किस तरह गुजारी है, अश्क आंखों से अब भी जारी है, अश्क आंखों से अब भी जारी है, दिल मेरा तोड़ के वो कहते हैं, दिल मेरा तोड़ के वो कहते हैं, आह किसकी थी क्या तुम्हारी है। अच्छा है, दिल मेरा तोड़ के वो कहते हैं, आह किसकी थी क्या, आह किसकी थी क्या तुम्हारी है, है निगोड़ी खुशी भला किसकी, है निगोड़ी खुशी भला किसकी, कल हमारी थी अब तुम्हारी है, है निगोड़ी खुशी भला किसकी, बेहतर है निगोड़ी खुशी, कल हमारी थी अब तुम्हारी है। और हासिले गजल शेर मुलाजा फरमाएं कि खार की कांटे की, खार की बदनसीबियां देखो, खार की बदनसीबियां देखो, बदनसीबियां देखो, फूल की तितलियों से यारी है, खार की बदनसीबियां देखो, फूल की तितलियों से यारी है, पूछो किस तरह गुजारी है, अश्क आंखों से अब भी जारी है। और एक नज्म आपकी नजर करना चाहता हूं, मुलाजा फरमाएं जी। दरअसल गजल कहते ही हैं अपने महबूब से गुफ्तगू करना, बात करना, इसमें महबूब रूठा हुआ है और शायर उसे मना रहा है कुछ अच्छी यादों के हवाले से। गुम से क्यों हो, कुछ तो हमसे बात करो, कुछ तो हमसे बात करो, शीरी लफ्जों से रोशन हालात करो, मैं छेड़ू माजी के रंगी अफसाने, अतीत के मैं छेड़ू माजी के रंगी अफसाने, तुम भी अपनी जानिब से शुरुआत करो, तुम भी गुम से क्यों हो, कुछ तो हमसे बात करो, याद करो जब पहली बार मिले थे हम, याद करो जब पहली बार मिले थे हम, अनजाने से दो नैना टकराए थे, कुछ पल तो पलकें झपकाना भूल गए, कैसे हो बस इतना ही कह पाए थे, बस इतना ही कह पाए थे ऐसा लगता सारी दुनिया पा गए हम, सच तो ये था अपना दिल खो आए थे वो लम्हात जो हमने साथ गुजारे हैं, उनसे अपने वाबिस्ता जज्बात करो, गुम से क्यों हो, कुछ तो हमसे बात करो। ऐसी ही एक शाम मुझे याद आती है, साहिल पे कुछ देर तलक हम बैठे थे, ऐसी ही एक शाम मुझे याद आती है, साहिल पे कुछ देर तलक हम बैठे थे, रश्क हवा से होना मेरा वाजिब था, उड़ता आंचल बिखरे गेसु ऐसे थे, तुमने पानी में फेंकी थी कंकरियां, लहर के घेरे मेरे दिल में उठे थे, तुमने पानी में फेंकी थी कंकरियां, लहर के घेरे मेरे दिल में उठे थे, चांद भी अपनी खुल के छटा बिखेर गया, उसने कब चाहा तुम उसको मात करो, गुम से क्यों हो, कुछ तो हमसे बात करो, शीरी लफ्जों से रोशन हालात करो, याद करो वो मौसम रंगी बारिश का। मंजर निगारी है, आप अगर पसंद आए तो आप सबकी दाद चाहिए। याद करो वो मौसम रंगी बारिश का, सावन जब गलियों तक बहकर आया था, सावन जब गलियों तक बहकर आया था, रोके से भी थम न सका जोशे उल्फत, कुदरत को तुमने हमराज बनाया था, कागज की कश्ती पे लिख कर हाले दिल, हौले से जब मेरी ओर बहाया था, फिर जी लेते उन्हीं सुहाने लम्हों को,
गर मुमकिन हो वैसी ही बरसात करो, गुम से क्यों हो कुछ तो हमसे बात करो, शीरी लफ्जों से रोशन हालात बहुत शानदार, मैं छेड़ूं माजी के रंगी अफसाने, तुम भी अपनी जानिब से शुरुआत गुम से क्यों। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, शानदार है, शानदार है। और एक हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार जो और हमारे साथ कवि और कवित्री हैं उनसे सुनेंगे, काव्य पाठ सुनेंगे आज। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं। चलिए ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आप सभी का, मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं। और जाहिर तौर पर शानदार काव्य पाठ चल रहा है और हसन साहब ने बेहतरीन शुरुआत कर दी है इस एपिसोड की, और इस बेहतरीन शुरुआत के लिए बहुत बहुत शानदार शुरुआत रही। और अब हसन साहब के बाद बढ़ते हैं तकी साहब के पास, तकी बाजपुरी के पास पढ़ते हैं, उत्तराखंड से हम आपके बीच एक बार फिर से शिरकत कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं तकी जी। स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल नवी जी। चूँकि मैं तो प्रेम मोहब्बत की बात करता हूँ तो आइए वहीं से पढ़ता हूँ, चार मिसरे हाजिर हैं। जो आजकल की जो मोहब्बत है क्या वो चेंजिंग आई है, वहाँ से पढ़ता हूँ। बस प्यार ही मुकाम है मेरे मुकाम का, मेरे मुकाम का अच्छा है। हाँ, बस प्यार, बस प्यार ही मुकाम है मेरे मुकाम का, है पासवर्ड फोन में तेरे ही तेरे ही पासवर्ड बता दिया आपने अपना, है पासवर्ड फोन में तेरे ही नाम का, तेरे ही नाम का बेहतर है। हम दूर हो के भी तो बहुत पास आ गए, बहुत पास आ गए, हम दूर हो के भी तो बहुत पास आ गए, ये फेसबुक भी और ट्विटर है काम का, ट्विटर है काम का। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आइए चार मिसरे और मैं हाजिर करता हूँ। इश्क का जब इन्फेक्शन होने लगता है जी, इश्क का जब इन्फेक्शन होने लगता है, इन्फेक्शन इश्क का भी है। हाँ, इश्क का जब इन्फेक्शन होने लगता है, इश्क का जब इन्फेक्शन होने लगता है, दिल में यार रिएक्शन होने लगता है, क्या कहने, दिल में यार रिएक्शन होने लगता है, नाकाम मोहब्बत में दीवाने का लोगों, नाकाम मोहब्बत में दीवाने का लोगों, गड़बड़ हर एक फंक्शन होने लगता है, अच्छा है, गड़बड़ हर एक फंक्शन होने लगता है, बेहतर है, गड़बड़ हर एक फंक्शन होने लगता है। और चार मिसरे और हाजिर करता हूँ। जो आजकल की जो मोहब्बत है, प्रेम है, उस पर कोशिश की है कुछ नए तरीके से कहने का। शादी भाई, वो कहीं और लीन होते हैं, वो कहीं और लीन होते हैं, फिर ना मैसेज सीन होते हैं, फिर ना मैसेज सीन होते हैं, ऑनलाइन है सिर्फ मेरे लिए, ऑनलाइन है सिर्फ मेरे लिए, कुछ भरम भी हसीन होते हैं, कुछ भरम बेहतर है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, कुछ भरम भी हसीन होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चार मिसरे और मैं हाजिर करता हूँ। स्वागत है।
बोलिए आप ही क्या बुरा कह दिया। अच्छा क्या बुरा बोलिए आप ही क्या बुरा कह दिया। बेवफा को अगर बेवफा कह दिया वो बदलती रही दोस्त भी शान से हमने भी शान से बेहया कह दिया हमने भी शान से बेहया कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। चार मिसरे और हाजिर करता हूँ, देखिएगा शायरी के हवाले से। मुझको ठुकरा के भी ढूंढती है। अच्छा मुझको ठुकरा के भी ढूंढती है। मुझको ठुकरा के भी ढूंढती है दूसरों में तकी में तकी ढूंढती है जिसको हासिल खुशी थी जहाँ की जिसको हासिल खुशी थी जहाँ की आजकल वो खुशी आजकल वो खुशी ढूंढती है दूसरों में तकी ढूंढती है। बहुत शुक्रिया। एक आखिर में एक शेर मैं पढ़ना चाहूंगा। शेर मैंने यूं कहा कि तुम्हारे शहर में यूं तो मयस्सर है सभी कुछ ही। आप सबको नजर तकी वाजपुरी की तरफ से। तुम्हारे शहर में यूं तो मयस्सर है सभी कुछ ही। तुम्हारे शहर में यूं तो मयस्सर है सभी कुछ ही। तकी के गांव सी ताजा हवा फिर भी तकी के गांव सी ताजा हवा। बहुत अच्छे बेहतर है। बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार बेहद शानदार। जाते जाते एक शेर और मैं कहना चाहूंगा कि तकी रोज मरते हैं हम थोड़ा थोड़ा। तकी रोज मरते हैं हम थोड़ा थोड़ा जुदा हो रहा है कोई धीरे धीरे। जुदा हो रहा है कोई धीरे धीरे। बहुत अच्छा बहुत अच्छा शानदार है भाई। और ताज़ा हवा गाँव सी कहाँ मिलती है शहरों में। बेहतर है। स्वागत कर रहा हूँ अब दिनेश आनंद साहब का। एक बार फिर स्वागत है भाई। स्वागत है सर। शुक्रिया। जे के न्यूज के सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ जी। और शानदार मंच सजा हुआ है, आपकी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ। स्वागत। चार लाइनें देता हूँ, सुनिएगा देखिएगा। स्वागत। कि शब्द मेरे हैं अनब्या है शब्दों की कि शब्द मेरे हैं अनब्या है लगी हल्दी नहीं कोई शब्द मेरे हैं अनब्या है लगी हल्दी नहीं कोई अभी दहलीज यौवन की लांघी नहीं कोई। अच्छा है अच्छा है शब्द मेरे अच्छा है बेहतर बेहतर बहुत लगी हल्दी नहीं कोई अभी दहलीज यौवन की लांघी नहीं कोई मेरे भावों में अब तक भी वो फागुन नहीं आया मेरे भावों में अब तक भी
वो फागुन नहीं आया मेरे जीवन के पन्नों का रंग धानी नहीं बहुत अच्छा दिनेश जी बहुत बेहतर भाई शुक्रिया 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 और आपके बीच एक गीत रखता हूँ सुनिएगा स्वागत आप बड़ी तल्लीनता से सुन रहे हैं अभी भाई तकी साहब की हाईटेक रचना सुन रहे थे गीत देता हूँ सुनिएगा कि नए सृजन से दर्शन परिवर्तित कर जाऊंगा जाते जाते प्रियवर तुमको गीत समर्पित कर जाऊंगा जाते जाते कि नए सृजन से दर्शन परिवर्तित कर जाऊंगा जाते जाते प्रियवर तुमको गीत समर्पित कर जाऊंगा जाते जाते प्रियवर तुमको गीत समर्पित कर जाऊंगा जाते जाते और गीत का पहला बंद देता हूँ सुनिएगा के अंबर की ऊंचाई से ऊंचा खुशियों का उपवन होगा अंबर की ऊंचाई से ऊंचा खुशियों का उपवन होगा धरा पे जैसे राम ने भोगा वैसा नहीं रुदन होगा धरा पे जैसे राम ने भोगा वैसा नहीं रुदन होगा मर्म की गहराई से के मर्म की गहराई से जग विस्मित कर जाऊंगा जाते जाते प्रियवर तुमको गीत समर्पित कर जाऊंगा जाते जाते बहुत अच्छे तुमको गीत समर्पित कर जाऊंगा जाते जाते और अगला बंद देता हूँ सुनिएगा कि पावन गंगा सा भाव बहे निर्मल निर्मल पावन गंगा सा भाव बहे निर्मल निर्मल बिंब से प्रतिबिंब बनेगी तो मैं अविरल कि पावन गंगा सा भाव बहे निर्मल निर्मल बिंब से प्रतिबिंब बनेगी तो मैं अविरल कि गीत की गंगा कि गीत की गंगा में राग विसर्जित कर जाऊंगा जाते जाते प्रियवर तुमको गीत समर्पित कर जाऊंगा जाते जाते प्रियवर तुमको गीत समर्पित कर जाऊंगा जाते जाते और गीत का अंतिम बंद सुनिएगा बड़ी तल्लीनता से आप सुन रहे हैं आपका आशीर्वाद मिल रहा है सुनिए स्वागत है भाई गीत का अंतिम बंद देता हूँ सुनिएगा कि तुम नए नए आयाम गीत के गढ़ लेना तुम नए नए आयाम गीत के गढ़ लेना भाषा का अनुवाद भले तुम पढ़ लेना संवेदनाएं में वितरित कर जाऊंगा जाते जाते प्रियवर तुमको भी समर्पित कर जाऊंगा जाते जाते प्रियवर तुमको गीत समर्पित कर जाऊंगा जाते जाते सृजन दर्शन परिवर्तित कर जाऊंगा जाते जाते प्रियवर तुमको गीत समर्पित कर जाऊंगा जाते जाते बहुत अच्छा शुक्रिया बहुत शानदार दिनेश भाई बहुत बेहतरीन जाते जाते गीत समर्पित कर जाऊंगा बहुत बेहतरीन प्रियवर को ये गीत समर्पित कर रहे हैं जाते जाते आप जरीन सिद्दीकी क्या समर्पित कर स्वागत करो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और इसी के साथ चार पंक्तियां हाजिर करूंगी कोई टीस जो जिगर के अपार हो गई कोई टीस जो जिगर के अपार हो गई आया ख्याल जब भी अश्कजार हो गई
कोई टीस जो जिगर के अपार हो गई, आया ख्याल जब भी अश्कजार हो गई, खामोश रहे लब, खामोश रहे लब मेरे कहती है हर एक आह। अच्छा। खामोश रहे लब मेरे कहती है हर एक आह, हुई कोशिशें फिर रूह तार तार हो गई, हुई कोशिशें फिर रूह तार 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 हो गई, कोई टीस जो जिगर के अपार हो गई। बहुत बेहतर जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ एक गजल हाजिर करेंगे, मतला और कुछ। मतला यूं है कि मुझ में तू, ख्वाबों में तू, हर पल मेरी यादों में तू, मुझ में तू, ख्वाबों में तू, मुझ में तू, ख्वाबों में तू, हर पल मेरी यादों में तू, मैं तेरे बिन मैं नहीं हूँ, मैं तेरे बिन मैं नहीं हूँ, है मेरी सांसों में तू। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तेरे बिन मैं नहीं हूँ, है मेरी सांसों में तू। और शेर देखें कि जर्रे जर्रे पे, जर्रे जर्रे में तेरा ही अक्स आता है नजर, जर्रे जर्रे में तेरा ही अक्स आता है नजर, हम कदम बन कर रहा है, हम कदम बन कर रहा है जिस्त की राहों में तू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और फिर कहा कि मेरी हर तहरीर में है, ख्वाबों की ताबीर में है, मेरी हर तहरीर में है, मेरी हर तहरीर में है, ख्वाबों की ताबीर में है, है मेरे लफ्जों में शामिल, है मेरी बातों में तू। मेरी हर तहरीर में है, ख्वाबों की ताबीर में है, है मेरी लफ्जों में शामिल, है मेरी बातों में तू, तुझसे ही आगाज मेरा, तुझसे ही अंजाम है, तुझसे ही आगाज मेरा, तुझसे ही अंजाम है, तू ही तू है मेरे दिन में, है मेरी रातों में तू। बहुत बेहतर है जरीन आपका, बहुत बेहतर। तुझसे ही आगाज मेरे, तुझसे ही अंजाम है, तू ही तू है मेरे दिन में, है मेरी रातों में तू। बनती है लहरें ये जब, बनती हैं लहरें ये जब, उस पे लिखूं तेरा नाम, बनती हैं लहरें ये जब, उस पे लिखूं तेरा नाम, तू कभी महसूस तो कर, तू कभी महसूस तो कर, है मेरी आंखों में तू, तू कभी महसूस तो कर, है मेरी आंखों में तू। दश्त में चलती हूँ जब, तो कहते हैं ये छाले भी अच्छा है, दश्त में चलती हूँ जब, तो कहते हैं ये छाले भी, दर्द के दामन में तू है, दिल के अंगारों में। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दश्त में चलती हूँ जब, कहते हैं ये छाले भी, दर्द के दामन में तू है, दिल के अंगारों में तू, दिल के कोरे कागजों पे, दिल के कोरे कागजों पे, क्यों नहीं बनता है अक्स, अच्छा है, दिल के कोरे कागजों पे, क्यों नहीं बनता है अक्स, पूछती है हर सदा ये, पूछती है हर सदा ये, क्यों है बेगानों में तू, पूछती है हर सदा ये, क्यों है बेगानों में तू। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दुआ के फूल तेरे वास्ते ले आऊंगी, मैं दुआ के फूल तेरे वास्ते ले आऊंगी, याद कर लेना मुझे जब भी घिरे कांटों में तू। मैं दुआ के फूल तेरे वास्ते ले आऊंगी, याद कर लेना मुझे जब भी गिरे कांटों में तू। और आखिरी शेर की, और कुछ पढ़ने को दिल करता नहीं मेरा जरीन, और कुछ पढ़ने को दिल करता नहीं मेरा जरीन, हो गई है जब से शाम दिल के अफसानों में तू, हो गई है जब से शाम दिल के अफसानों में तू, मुझ में तू, ख्वाबों में तू, हर पल मेरी यादों में तू, मैं तेरे बिन मैं नहीं हूँ, है मेरी सांसों में तू। और इसी के साथ एक कुछ पंक्तियाँ और हाजिर करूँगी कि कुछ रिश्तों में शिकायतें होती हैं तो कैसे वो जाहिर की जाती है। कहा कि क्यों सोचती हो, क्यों कहती हो, क्यों सोचती हो, क्यों कहती हो, वही दर्द रोज क्यों सहती हो। अच्छा है, हाँ। क्यों सोचती हो, क्यों कहती हो, वही दर्द रोज क्यों सहती हो, हुई बातें चार फिर तकरार, हर बात पे तानों का वार, हुई बातें चार फिर तकरार, हर बात पे तानों का
बार क्यों सोचती हो, क्यों कहती हो, लाखों मिन्नतें क्यों करती हो, क्यों सोचती हो, क्यों कहती हो, लाखों मिन्नतें क्यों करती हो, तुम वो एक बंद किताब, अच्छा तुम वो एक बंद किताब जिसमें की पन्ने हजार, तुम वो एक बंद किताब जिसमें हो पन्ने हजार, जिससे पढ़ के मैं पढ़ ना सकूं सभी बंदिशों का उस क्यों सोचती हो, क्यों कहती हो, दिन रात तुम क्यों रोती हो, तुमने कहा मसरूफ हो, हमने कहा तुम खूब हो, तुमने कहा मसरूफ हो, हमने कहा तुम खूब हो, रोते मतलब और कुछ देखे मतलब यूं है कि देखकर इन मंजरों को याद आए दर्द दिल, देखकर इन मंजरों को याद आए दर्द दिल, चीखते हैं बामुदर अब कैसे जाए दर्द दिल, देखकर इन मंजरों को याद आए दर्द दिल, चीखते हैं बामुदर अब कैसे जाए दर्द दिल, और शे देखें कि इस तला तुम से निकलना अब नहीं मुमकिन रहा, इस तला तुम से निकलना अब नहीं मुमकिन रहा, डूबते हैं अब सफीने क्या बचाए दर्द दिल, अच्छा है अच्छा है, इस तला तुम से निकलना अब नहीं मुमकिन रहा, डूबते हैं अब सफीने क्या बचाए दर्द दिल, और शे देखें कि जब सरे महफिल नुमाया हो गए हालात सब, जब सरे महफिल नुमाया हो गए हालात सब, हाल किसका कौन पूछे क्या छिपाए दर्द दिल, जब सरे महफिल नुमाया बहुत शुक्रिया हो गए हालात सब, हाल किसका कौन पूछे क्या छिपाए दर्द दिल, और शेर है कि एक तमाशा ही थे हम क्या क्या न देखा उम्र भर, एक तमाशा ही थे हम, एक तमाशा ही थे हम क्या क्या न देखा उम्र भर, जिंदगी है जेर पा अब क्या सुनाए दर्द दिल, बहुत अच्छे बेहतर, एक तमाशा ही थे हम क्या क्या न देखा उम्र भर, जिंदगी है जेर पा अब क्या सुनाए दर्द दिल, क्यों रगे जा पर लगाते हैं वो तोहमत बारहा, क्यों रगे जा पर लगाते हैं वो तोहमत बारहा, हर नफस में आग है कैसे मिटाए दर्द दिल, क्यों रगे जा पर लगाते हैं वो तोहमत बारहा, हर नफस में आग है कैसे मिटाए दर्द दिल, अब सहे जाते नहीं दहशत में डूबे रात दिन, अच्छा अब सहे जाते नहीं दहशत में डूबे रात दिन, खार ये दामन से अब कैसे छुड़ाए दर्द दिल, बहुत अच्छा बेहतर, खार ये बहुत बहुत शुक्रिया सर, खार ये दामन से अब कैसे छुड़ाए दर्द दिल, और आखिरी शेर की मगफिरत मिल पाई है रुदाद गम से कबजरीन, मगफिरत मिल पाई है रुदाद गम से कबजरीन, छिन गए हैं अब तबस्सुम हाय हाय दर्द मगफिरत मिल पाई है रुदाद गम से कबजरीन, छिन गए हैं अब तबस्सुम हाय हाय दर्द दिल, बहुत शानदार बेहतर है जरीन बेहतर शानदार, चीखते हैं बामुदर अब कैसे जाए दर्द, बहुत जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार वक्त अब इतनी इजाजत दे रहा है मैं, और चार पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम का अंत करते हैं, एक लिखा था ख्वाब पर जहन में आया था तो लिखा था हुआ है या नहीं हुआ है आप लोग बेहतर बताएंगे, मैंने लिखा था कि मैं हर रोज ख्वाब में भी देखता हूँ ख्वाब, मैं हर रोज ख्वाब में भी देखता हूँ ख्वाब, और उस ख्वाब में भी आता है तेरा ही ख्वाब, और उस ख्वाब में भी आता है तेरा ही ख्वाब, और उस ख्वाब में भी आता है तेरा ही ख्वाब, और इस ख्वाब को हकीकत में बदलना है जाना, इस ख्वाब को हकीकत में बदलना है जाना, तू बता कब देखेगी मेरा ख्वाब, तू बता कब देखेगी मेरा ख्वाब, इन 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 पंक्तियों के साथ इस प्रोग्राम का अंत कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप चारों का, बेहतरीन ये भी एपिसोड रहा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम को देखने के लिए, हमें प्यार मोहब्बत देने के लिए, अगर आप भी इस प्रोग्राम में शिरकत करना चाहते हैं तो अपनी वीडियोस हमारे इस मेल आईडी पर ज़रूर सेंड कीजिए, और अगर आप हमें वीडियोस पसंद आएगी, आपका काव्य पाठक पसंद आएगा, तो ज़रूर आप भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकेंगे, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।